नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। तो आप अपने प्रिपरेशन को लगातार जारी रखिए और एक जिद होनी चाहिए आपके अंदर कि आपको एग्ज़ाम निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं। ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की थर्ड क्लास है। तो आइए देखते हैं फीचर्स ऑफ CRM। यहाँ पर हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ CRM की, कि CRM के फीचर्स क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला फीचर है कस्टमर सेंट्रिक। कस्टमर सेंट्रिक का मतलब है कि ऑल द थिंग्स विच आर डूइंग इज फॉर द कस्टमर। कस्टमर सेंट्रिक का मतलब है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कस्टमर को ध्यान में रखकर की जा रही हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट इज अ कस्टमर सेंट्रिक फीचर दैट इंक्लूड सर्विस रिस्पॉन्सिवनेस फोकस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक। मतलब कस्टमर के फीडबैक को देखा जा रहा है, वन ऑन वन सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं कस्टमर की नीड पर, ठीक है। डायरेक्ट ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो रहा है क्लाइंट्स के साथ, कस्टमर सर्विस सेंटर्स खोले जाते हैं दैट असिस्ट द कस्टमर्स एंड सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। आगे हम बात करते हैं सेल्स ऑटोमेशन की। सेल्स ऑटोमेशन ऐसा फीचर है जिसमें हम एवरी सेल ट्रांजेक्शन कैन बी रजिस्टर्ड। हर एक सेल ट्रांजेक्शन को हम रजिस्टर्ड करते हैं बाय मॉनिटरिंग द सेल डाटा, हर एक सेल डाटा को देखते हुए, सच एज कस्टमर का नाम, परचेज इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन। और इन इंफॉर्मेशन को हम क्यों रजिस्टर्ड करते हैं? टू रिकॉर्ड सच ट्रांजेक्शन। हम क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को इसलिए रजिस्टर्ड करते हैं ताकि हम क्लाइंट की परचेज को समझ पाएँ और उनकी उसे आगे पोटेंशियल सेल दे पाएँ, ठीक है। अब आप देखिए, टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन बिजनेस मस्ट इम्प्लीमेंटेड ऑटोमेशन सिस्टम। दिस फीचर हेल्प इन ऑटोमेशन अ क्लाइंट अकाउंट हिस्ट्री फॉर रिपीट परचेज, मतलब उसे बार बार चीज़ें बेचना, एंड पोटेंशियल सेल एज वेल एज ऑर्गेनाइज्ड सेल। टू कीप अ ट्रैक ऑफ क्लाइंट हेल्पलाइंस एंड कॉन्टैक्ट सेंटर कैन बी एडेड। आगे हम बात करते हैं यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो, इसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। कंपनीज यूज टेक्नोलॉजी टू रिटेन थ्रू इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए ऑन देयर कस्टमर नीड्स पर, ठीक है। इसके लिए वो ICT, इसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये अप्लाई करते हैं। इज यूज टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑन कंप्यूटर्स, ईमेल्स, मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स एंड इवन पेपर नोट्स अमंग अदर थिंग्स, वेयर ऑल द डाटा ऑफ द डिपार्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल सेल्स, कस्टमर सपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड HR इज स्टोर्ड ऑन सिंगल लोकेशन। और सारे डाटा को एक लोकेशन पर स्टोर किया जाता है, मैनेजर्स और स्टाफ उन्हें इंस्टेंट एक्सेस कर सकते हैं और अप टू डेट इंफॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एक जबरदस्त फीचर CRM का, मैनेजमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। दिस फीचर एड द ऑर्गेनाइजेशन। इस फीचर से ऑर्गेनाइजेशन को मदद मिलती है फॉरकास्ट करने में, कब डिमांड हाई होने वाली है, स्ट्रॉन्ग फॉरकास्ट कर पाते हैं वो सेल्स हिस्ट्री और सेल्स प्रोजेक्शन को देख करके, यानी कि पिछला जो बिका है उसकी हिस्ट्री को देख करके आगे वो प्रोजेक्ट कर पाते हैं कि हाई डिमांड कब आएगी। आगे हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ CRM। फंक्शन ऑफ CRM में क्या है? देखो, CRM क्या क्या काम करता है, क्या क्या उसके फंक्शन है। CRM हेल्प करता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट को वैरायटी ऑफ टास्क में। अब हम एक एक करके उन टास्क को देखते हैं। सबसे पहले मैनेजिंग लीड्स। लीड्स मतलब होता है कि आपको ये पता करना है कि आपके प्रोडक्ट के लिए कौन कौन इच्छुक है, तो उसे उस चीज को बोलते हैं लीड जनरेट करना। तो यहां पर करता है CRM में करता है मैनेज करता है लीड को। दिस अप्लाई द प्रोसेस ऑफ जनरेट करता है और रिटेन करके रखता है लीड्स को, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कीपिंग ट्रैक ऑफ एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी पे ट्रैक करता है, नजर रखता है, ठीक है। दिस रिलेट द गैदरिंग डाटा ऑफ कस्टमर परचेज, यानी कंज्यूमर का परचेजिंग पैटर्न, ठीक है। यहाँ पर क्या करता है, वो ट्रैक रखता है कंज्यूमर के परचेज पैटर्न पर, अमाउंट बाउट क्या, वो कितना वो खरीद रहा है, कितना टाइम स्पेंड कर रहा है शॉपिंग पर, ठीक है। इन सब चीज़ों पे ट्रैक रखता है। अगला हम देखते हैं मैनेजिंग रिपोर्टिंग एंड फॉरकास्टिंग। मैनेजिंग रिपोर्टिंग एंड फॉरकास्टिंग, इसका मतलब क्या करता है, वो जो भी चीज़ हो रही है, यानी टोटल टाइम जो स्पेंड कर रहा है शॉपकीपर और जो प्रोडक्ट को प्रेफरेंस कर रहा है, वो डाटा वो प्रोसेस करता है, ठीक है, मैनेज करता है, रिपोर्ट करता है, उसके हिसाब से फॉरकास्ट करता है, आगे पता लगाता है कि आगे किस तरीके की चीज होगी, ठीक है। तो दिस अप्लाई द इंफॉर्मेशन डाटा एंड दैट इज प्रोसेस्ड सच एज द टोटल टाइम स्पेंड बाय शॉपर्स इन द शॉप एंड देयर प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस। आगे हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, तो वो है हमारा
क्वालिफाई एंड कन्वर्टिंग लीड्स। देखो एक तो हो गया, सबसे पहले आपने लीड जनरेट किया, आपको पता लगा कि आपके प्रोडक्ट के लिए कौन कौन इंटरेस्टेड है, फिर उस लीड को कन्वर्ट करना यानी जो इंटरेस्टेड है उनसे अपना सामान बिकवाना, तो इसे कहते हैं लीड को कन्वर्ट करना। आपका सामान, आपको पता चला कि ये आपका पोटेंशियल कस्टमर और आपने उसे अपने अपना कस्टमर बना लिया, कन्वर्ट कर लिया, तो उसे बोलते हैं एक लीड को कन्वर्ट कर। आगे हम बात करते हैं मैनेजिंग अपॉर्चुनिटीज, ये अपॉर्चुनिटीज को मैनेज कर। दिस अप्लाइज टू मेक द मोस्ट ऑफ द चांस टू गेन लॉन्ग टर्म बेनिफिट फ्रॉम कस्टमर्स, करता है अपॉर्चुनिटीज को इस तरीके से मैनेज करता है कि आप अपने कस्टमर से लॉन्ग टर्म गेन कर सको। आगे हम बात करते हैं सीआरएम आल्सो हेल्प्स वन टू वन मार्केटिंग। देखो वन टू वन मार्केटिंग क्या होता है, जहां पर आप सिंगल इंडिविजुअल कस्टमर्स पे जा रहे हो वन टू वन मार्केटिंग, वहां पर सीआरएम कैसे हेल्प करता है, ठीक है। सबसे पहले बात करें आइडेंटिफाई द कस्टमर्स, सबसे पहले क्या करता है वो कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करता है। CRM help to distinguish the profitable and non-profitable customers, पता लगाता है कि कौन से आपके अच्छे कस्टमर है जो खरीदेंगे और कौन से सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, यानी कि आइडेंटिफाई करता है कस्टमर को, डिफ्रेंशिएट करता है कस्टमर की नीड को, सेपरेट करता है हर क्लास को कि अपर क्लास कौन सी है, कौन सी आपकी लोअर क्लास है, किस प्रोडक्ट के लिए कौन सी क्लास सही होगी, मतलब कौन किस लेवल का बंदा है, कौन कौन सी चीज खरीद सकता है। कस्टमाइज करता है प्रोडक्ट को और सर्विसेज को। देखो कस्टमाइज करने का मतलब है कि आप हर एक बंदे के हिसाब से चीजें बना रहे हो, ठीक है, स्पेसिफिक कंज्यूमर्स के हिसाब से कि अमीरों को किसी चीज में कंफर्ट चाहिए, बेशक को पैसा ज्यादा देना चाहते हैं तो उनके हिसाब से नई चीज बनाना, तो हर एक प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स के हिसाब से एडजस्ट करना उसे बोलते हैं कस्टमाइज द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। स्ट्रेंथन रिलेशनशिप, दिस अप्लाई टू द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द पार्टनरशिप, ये करता है रिलेशनशिप बनाता है, पार्टनरशिप करवाता है कंपनी और क्लाइंट के बीच में और प्रमोट करता है पर्सनलाइज्ड कॉन्टैक्ट्स को। देखिए इस कंटेंट को तैयार करने में हमें बहुत मेहनत लगती है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आप इस कंटेंट को पसंद कर रहे हैं और हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लेके आते रहेंगे। आगे हम बात करते हैं नीड ऑफ CRM। देखो CRM की नीड क्या है, अगर हमें अपने गोल को अचीव करना है और मैक्सिमाइज अर्निंग करनी है, ठीक है, और अपने जो कंपटीटर्स हैं उन्हें पीछे करना है तो हमें CRM की जरूरत पड़ती है। देखिए द ओवर आर्किंग ऑफ गोल ऑफ CRM इज टू मैक्सिमाइज द अर्निंग विच कैन बी अकम्प्लिश प्राइमरली बाय ऑफरिंग सुपीरियर कस्टमर सर्विस टू राइवल्स, ठीक है, यानी कि हमारा जो कंपटीटर है उससे अच्छी हम कस्टमर सर्विस देते हैं, ठीक है। CRM अलाउ बिजनेस टू कलेक्ट एंड व्यू डाटा फ्रॉम कस्टमर रिक्वेस्ट कंप्लेन इंटरेस्ट एंड सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंगेजमेंट। CRM क्या करता है, कस्टमर रिक्वेस्ट पे, कंप्लेंट्स पे, इंटरेस्ट पर, इंटरेस्ट क्या है कस्टमर्स के, सेल्स पर, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाता है और बताता है और इससे हमारा क्या करता है कस्टमर का लॉयलिटी और रिलेशनशिप बिल्ड करता है। आगे हम बात करते हैं CRM नीडेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, CRM हमें किस रीजंस की वजह से जरूरत होती है। मैंने यहाँ पर टू द पॉइंट इसलिए लिखा है कि आपको याद करने में आसानी हो, तो आइए देखते हैं। टू असिस्ट द बिजनेस एंड आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट अट्रैक्टिंग एंड अक्वायरिंग पोटेंशियल क्लाइंट्स, अपने बिजनेस में आइडेंटिफाई करना, कॉन्ट्रैक्टिंग करना, अट्रैक्ट करना कस्टमर को, ठीक है, यानी कस्टमर को ढूंढना, ढूंढने के बाद उससे कॉन्टैक्ट करना, उससे मिलना, उसे अट्रैक्ट करना, ठीक है, उसे अपनी तरफ खींचना और उसे अक्वायर पोटेंशियल क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट को रोक के रखना, ठीक है, ये आपका CRM करता है। टू हैव द डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड एंड डिजायर, कस्टमर के नीड और डिजायर को अच्छी तरह समझता है, ठीक है, राइट प्रोडक्ट और सर्विस देता है, ठीक है, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी कि जो उनकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से प्रोडक्ट देता है, ठीक है, मैनेज करता है, ऑप्टिमाइज करता है सेल्स को, ब्रांड बनाता है, ठीक है, बूस्ट करता है रेवेन्यू को, डिलीवर करता है सपोर्ट सर्विसेज टू द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है, उन्हें कस्टमर सपोर्ट देता है, जब उन्हें दिक्कत आती है तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कस्टमर सपोर्ट देता है। टू लुक द पॉसिबिलिटीज फॉर क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग, अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग में पॉसिबिलिटीज बताता है। देखो यहाँ पर क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग का क्या मतलब है, देखो मान लो आपने किसी क्लाइंट को एक चीज बेच दी है, उसके बाद अब आप उसे उसी चीज के ऊपर कोई चीज फ्री दे रहे हो ट्रायल करने के लिए, हम अपना अगला प्रोडक्ट दे रहे हो तो उसे बोलते हैं फ्री दे रहे हो तो उसे बोलते हैं क्रॉस सेलिंग। और अगर ऊपर का कोई प्रोडक्ट, मान लो आपने उसे छोटा प्रोडक्ट दिया, उससे ऊपर का अपनी कंपनी कोई बड़ा प्रोडक्ट दे रहे हो जो कि अपग्रेडेड है, ठीक है, उसे कहते हैं अपसेलिंग, यानी आप अपने एक कस्टमर को दोबारा से एक और प्रोडक्ट बेच रहे हो जो कि आपका पहले प्रोडक्ट का अपग्रेडेड वर्जन है, उसे अपसेलिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ CRM। देखिए सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं, इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज, इससे क्या होता है कस्टमर की सर्विस क्या होती है इम्प्रूव होती है क्योंकि आप पर्सनलाइज करते हैं क्लाइंट रिलेशनशिप को, क्योंकि CRM से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हमें अपने जो क्लाइंट रिलेशनशिप को उन्हें पर्सनलाइज करें, उन्हें और अच्छे बनाएं, ठीक है। वो CRM क्या करता है कस्टमर प्रोफाइल को रिटेन करके रखता है, ये ईच क्लाइंट के हिसाब से
अपनी चीज़ों को देता है, ठीक है, उनके स्पेसिफिक नीड्स को पूरा करता है। अब आप देखिए, CRM सिस्टम हैव बेनिफिटेड सच एज एबिलिटी टू पर्सनलाइज क्लाइंट रिलेशनशिप, CRM रिटेन द कस्टमर प्रोफाइल विच अलाउ ईच क्लाइंट टू सी अ पर्सन रैदर देन अ कम्युनिटी। CRM रिटेन करता है कस्टमर प्रोफाइल्स को और ये बताता है कि आप हमारे लिए सुपीरियर हो। एक कम्युनिटी की तरह बिहेव नहीं करता कि सबको हमने एक पूरी को कम्युनिटी समझा है। हर एक बंदा कम्युनिटी नहीं, हर एक पर्टिकुलर बंदे आप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये CRM बताता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट एनी एम्प्लॉय वुड हैव रादर अंडरस्टैंड ऑफ ईच कस्टमर यूनिक प्रेफरेंसेस। हर एक एम्प्लॉय कस्टमर की यूनिक प्रेफरेंसेस को समझता है और उसी हिसाब से प्रोफाइल जनरेट करता है। बेटर कस्टमर सर्विस इंप्रूव रिस्पॉन्सिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, कस्टमर की नीड को समझना और जैसे जैसे वो कह रहा है उस हिसाब से चेंजेस करना उसे रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। रिजल्ट इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जिससे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। इट आल्सो एड द कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन रिसीविंग रेगुलर इनपुट फ्रॉम द कस्टमर ऑन द प्रोडक्ट दे हैव इंट्रोड्यूस। मतलब इससे ये भी फायदा होता है कि अगर आपका कस्टमर कोई नया प्रोडक्ट आप ला रहे हो तो आपका कस्टमर आपको रेगुलर इनपुट देता रहेगा कि इसमें क्या दिक्कतें हैं, इसको ठीक करना है। इससे भी ये चीज़ CRM से होती है। बूस्ट रेवेन्यूज फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से अच्छा खासा रेवेन्यू कलेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, एज अ कंपनी मार्केटिंग प्लान विल रिवाइज मोर ऑफन कस्टमर डाटा इज अपडेटेड एंड रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पर कस्टमर डाटा को अपडेट करता है, उस हिसाब से उन्हें सेल करता है और रेवेन्यू कलेक्ट करता है। लोकेट न्यू क्लाइंट्स, देखो CRM में क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल कस्टमर्स को बाय कीपिंग द ट्रैक ऑन करंट अकाउंट्स। कस्टमर के करंट अकाउंट्स को देख करके उन पर नजर रखता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ये पता लगा पाता है कि कौन से कस्टमर से हमें मैक्सिमम सेल मिलेगी। अब हम बात करते हैं अपसेल और क्रॉस सेल की। देखो अपसेल और क्रॉस सेल CRM से ये फायदा होता है कि हम एक ही कस्टमर को दोबारा चीज बेच सकते हैं। अपसेल और क्रॉस सेल क्या होता है, मैंने पहले बताया, क्रॉस सेल मतलब ऑफरिंग कंज्यूमर फ्री आइटम बेस्ड ऑन प्रायर सेल, पहले जो बेचा था उसके हिसाब से उसको नई चीज देना, और अपसेलिंग का मतलब है ऑफरिंग कस्टमर प्रीमियम प्रोडक्ट इन अ सेम कैटेगरी में प्रीमियम प्रोडक्ट देना, ठीक है। तो ये अच्छी तरह प्रेडिक्ट कर पाता है कस्टमर किसे आप क्रॉस सेल करना है, किसे अपसेल करना है। बेसिकली टेक्निक होती है कस्टमर रिटेंशन की। इसके बाद अगर हम बात करें तो असिस्ट सेल स्टाफिंग इन क्लोज डील मोर क्विकली। देखो ये करता है डील्स को जल्दी क्लोज करता है। डील्स को क्लोज करने का मतलब अपने सामने वाले क्लाइंट को अपना कस्टमर बना लिया है, डील को क्लोज कर दिया है, आपने अपनी चीज उसको बेच दी है, तो डील को क्लोज करता है मोर क्विकली, ठीक है। तो CRM अनेबल अ कंपनी टू क्लोज डील फास्टर बाय रिस्पॉन्डिंग कस्टमर नीड्स एंड डिटेल मोर टाइमली एंड प्रोडक्टिवली मैनर, ठीक है, उसे प्रोडक्टिवली और टाइमली प्रोडक्ट देता है और डील को जल्दी क्लोज करता है। अगर हम बात करें कस्टमर ट्रस्ट की तो CRM क्या करता है, सेटिस्फाई करता है डिमांड्स को कॉन्स्टेंट बेसिस पे, जिससे कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है फर्म पर, ठीक है। अब बात करते हैं कस्टमर ट्रस्ट कैन बी अर्न बाय रिस्पेक्टिंग एंड सेटिस्फाइंग देयर डिमांड ऑन कॉन्स्टेंट बेसिस सिंस द फर्म प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग स्टाइल अपील टू द कस्टमर एंड द कस्टमर फॉर्म्स अ कंसिस्टेंट एसोसिएशन विद इट, और कस्टमर उसके साथ जुड़ा रहता है। CRM बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, यहां पर आप देखेंगे कि CRM हर एक के लिए बेनिफिशियल कैसे है। इट प्रोवाइड विन विन कंडीशन फॉर एवरीवन, ये हर एक के लिए फायदे का सौदा करता है। कैसे, द कस्टमर बेनिफिटेड व्हेन ही रिसीव द प्रोडक्ट फ्रॉम हिज चूसिंग, मतलब कस्टमर को अपना प्रोडक्ट अपने हिसाब से मिलता है तो कस्टमर खुश होता है। रिटेलर बेनिफिट, क्योंकि उसे क्या करता है, इजियर टाइम मिलता है फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसलिए रिटेलर खुश होता है। मैन्युफैक्चरर इसलिए खुश होता है क्योंकि उसकी सेल लगातार फ्रीक्वेंटली होती रहती है। द कस्टमर बेनिफिट व्हेन इट रिसीव द प्रोडक्ट फॉर हिज चूसिंग, द रिटेलर बेनिफिट व्हेन ही हैज अ इजियर टाइम सेलिंग द आइटम्स, मैन्युफैक्चरर बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ हिज फ्रीक्वेंट सेल्स। आगे हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। देखो इसका डिसएडवांटेज क्या, सबसे पहले फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका पैसा लगेगा शुरू में, क्योंकि आपको एक सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ेगा टू कलेक्ट द नॉलेज ऑफ अबाउट द क्लाइंट फ्रीक्वेंट बेसिस। आपको क्लाइंट की नॉलेज लेनी पड़ेगी, ठीक है, फ्रीक्वेंट बेसिस पे कंपनी को पैसा खर्च करना पड़ेगा CRM सिस्टम बनाने के लिए, ठीक है। स्मॉल बिजनेसेस के पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, इसलिए उन्हें CRM लगाने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हैं, टू कलेक्ट द नॉलेज अबाउट द क्लाइंट फॉर फ्रीक्वेंट बेसिस अ कंपनी मस्ट बी स्पेंड मनी इन बिल्डिंग CRM system and technologies. Small business with limited resource can find it difficult to implement a CRM framework in their businesses. आगे हम बात करते हैं innovation. The collection of information about the customer need as well as record of changing the needs require the use of digital information technology. A company must not
ओनली हैव सफिशियंट रिसोर्स बट आल्सो द रिक्वेस्ट एक्सपर्टीज इन टू इंस्टॉल एंड इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजीज। मतलब आपके पास एक अच्छा स्टाफ होना चाहिए, इनोवेटिव स्टाफ होना चाहिए जो इसे इंस्टॉल कर सके, ठीक है। क्योंकि आपको क्या करना है, डाटा को कलेक्ट भी करना है, चेंजेस को, रिकॉर्ड को चेंज करना है एज पर नीड, ठीक है। आपको यूज़ करना है डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, तो आपके पास सफिशियंट रिसोर्स होनी चाहिए और ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए जिसके पास एक्सपर्टीज हो। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो सीआरएम में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। आपने यहाँ पर देखा फीचर्स, फंक्शंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज ऑफ सीआरएम। अगर आपको ऐसे ही एग्जाम के लिए टू द पॉइंट वीडियोस चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।